हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स अकेडमी। अगर आप वन नोट यूज़ कर रहे हैं अपने नोट्स को सेव करने के लिए, नंबर ऑफ़ पेजेस, नंबर ऑफ़ सेक्शंस आपने क्रिएट किए हुए हैं, और एक्सीडेंटली आपका कोई पेज या सेक्शन डिलीट हो जाता है, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका कोई पेज या सेक्शन डिलीट हो जाता है और कुछ टाइम के बाद आपको उसको रिकवर करना होता है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेरे एक सेक्शन क्रिएट किया हुआ है, और अगर मुझे लगता है कि मैंने ये सेक्शन को यूज़ नहीं करना है, फ्यूचर यूज़ नहीं है इसका, तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। और चांसली मुझे ऐसे फील होता है कि मुझे वो सेक्शन दोबारा से यहाँ पे लेके आना है कुछ दिनों के बाद, तो मैं क्या करूँगी, अपने हिस्ट्री टैब में जाऊंगी और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी, नोटबुक रीसाइकिल बिन। वन नोट क्या करता है, जो भी आप सेक्शन और पेजेस डिलीट करते हैं वो ऑटोमेटिकली रीसाइकिल बिन में आ जाते हैं। तो आपको नोटबुक रीसाइकिल बिन पे क्लिक करना है, या फिर यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे नोटबुक रीसाइकिल बिन आपकी ऑप्शन है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं जितने भी मेरे यहाँ पे डिलीटेड पेजेस या फिर सेक्शंस थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो जैसे कि मेरे सेक्शन का नाम न्यू सेक्शन वन था, ये मेरा डेटा है यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मैं इसको अब इजीली रिकवर कर सकती हूँ। जहाँ पे न्यू सेक्शन वन लिखा हुआ है या जहाँ पे आपका सेक्शन नेम लिखा होगा या पेज नेम लिखा होगा, वहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी मूव और कॉपी, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मूव और कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग से एक विंडो ओपन हो चुकी है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जो आपका सेक्शन वन था, जब वो रिकवर होगा तो वो कहाँ पर जाके स्टोर होगा। ये मेरी नोटबुक्स हैं, टूर एंड ट्रेवल, टूर एंड ट्रिप, शालिनी, ये दोनों नोटबुक्स मैंने क्रिएट की गई हैं और इस नोटबुक में डिफरेंट डिफरेंट ये सेक्शंस क्रिएटेड हैं। तो मुझे टूर एंड ट्रिप वाली नोटबुक में इसको सेव करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके मूव ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगी। तो देखिए मेरी नोटबुक यहाँ पे है और इसमें ये सेक्शन जो है वापस आ चुका है। अगर आप अपना रिसाइकल बिन एम्प्टी करना चाहते हैं, तो आप एम्प्टी रिसाइकल बिन पे क्लिक करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो भी आपकी आइटम्स होंगी वो परमानेंटली क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है, अगर एक्सीडेंटली कोई पेज या सेक्शन आपका डिलीट होता है, तो विद इन 60 डेज आप उसको रिसाइकल बिन से रिकवर कर सकते हैं। 60 डेज के बाद ऑटोमेटिकली आपका वन नोट क्या करता है, आपके सारे डिलीटेड पेजेस एंड सेक्शंस को परमानेंटली डिलीट कर देता है और आपके रिसाइकल बिन से वो चले जाते हैं। तो अगर आपने रिकवरी करनी है, तो विद इन 60 डेज आपने अपने पेजेस और सेक्शंस की रिकवरी जो है वो करनी होती है। लास्ट में हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है, डिसेबल हिस्ट्री फॉर दिस नोटबुक। अगर आप इसको एक्टिवेट करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी सारी की सारी इस पेज की जो हिस्ट्री है वो डिसेबल हो जाएगी, और जितनी भी आपकी नोटबुक की हिस्ट्री है वो सारी आपकी परमानेंटली डिलीटेड नोट्स में से डिलीट हो जाएगी। तो हमने इसको अभी इनेबल नहीं करना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितनी भी मेरी हिस्ट्री है वो मेरे रिसाइकल बिन में आती जाए और मैं वहाँ से उसको अगर रिकवर करना हो तो ईज़िली रिकवर कर सकूँ। तो इस तरह से आप ही अपने पेजेस और सेक्शंस को विद इन 60 डेज रिसाइकल बिन से रिकवर कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।